हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हिना और आप देख रहे हो चुके किचन। तो आज फिर से हाजिर हूँ एक नई रमजान स्पेशल रेसिपी लेकर, जिसे आप अफ्तार में ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज कबाब, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी होते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है। इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी वीडियो के बीच में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाला जो रेड बटन है उसे क्लिक करना है, और बाजू वाला जो बेल आइकन है ऑल उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आप लोगों को मिल सके, वो भी सबसे पहले फ्री में। तो इससे होगा ये कि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो वॉच करने मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज कबाब, जो कि यम्मी है बहुत ही ज्यादा। तो जो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें चिकन को बॉईल करना होगा। तो एक वेसल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें वाटर ऐड कर दिया है 2 ग्लास के करीब। इसमें जाएगा बोनलेस चिकन, आप चाहे तो बोन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जब हम शेड करेंगे तो बोन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक फुल बोनलेस चिकन मैंने लिया है, इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए बॉईल होने के लिए। तो चिकन डीप हो जाए ना, इतना हमें पानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, मतलब कि मसाले, तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी के साथ इसमें जाएगा नमक, तो 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। ज्यादा नमक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बस इतने ही मसाले काफ़ी है, ज़्यादा मसाले यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं जब चिकन हम बॉईल करते हैं तब। तो इसका पानी हमें पूरी तरीके से ड्राई करना है, इतना हमें इसे पकाना है, कुक करना है। तो चिकन का जो पानी है ना फ्रेंड्स, पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था और ठंडा भी हो चुका है, बॉईल हो चुका है बहुत अच्छे से चिकन। तो इसे हम श्रेड कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फोक का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे श्रेड करेंगे। मैंने लिया है 2 बॉइल्ड पोटैटो, मतलब कि आलू। उसका ऊपर का कवर निकाल के ना मैंने इसे ग्रेट कर लिया है किसनी की हेल्प से। और यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को फाइन चॉप किया था चॉपर से, और इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक कैप्सिकम लिया था, इसे भी फाइन चॉप किया है, चॉपर का ही इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है, तो बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। तो आप चाहे तो नाइफ का भी कर सकते हैं। एक कैरेट मैंने लिया था, इसे भी मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। जो चिकन हमने बॉइल किया था उसमें से मैंने 1 कप चिकन निकाल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। एक साथ में सब चिकन बॉईल करके रख देती हूँ। जब भी हमें बनाना होता है कोई भी चिकन की डिश, तो हम निकाल के बना सकते हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है, इसके लिए ज्यादा समय नहीं होता है। तो 1 कप मैंने चिकन डाल दिया है। अभी यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया था, इसे बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्च है, और फ्रेश हरे धनी के पत्तों को कट करके वॉश करके ऐड करना है। नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, और उसी के साथ इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, ज्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, हाथों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी फॉलो करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो यहाँ पे एक वेसल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के बटर। थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दिया था ताकि बटर जले ना। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, सॉटे करेंगे लो फ्लेम पर। इसे जलाना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हमें इसे भून लेना है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने भून लिया है। यहाँ पे हमें एक डो रेडी करना है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो इस स्टेज पर आने के बाद ना मैंने, मतलब 2 मिनट मैंने इसे भून लिया था पेशेंस रख के लो फ्लेम पर, और 1 कप मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है, वो इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, मतलब ये कुक होगा ना, वैसे वैसे गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा और एक सॉफ्ट डो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से इकट्ठा होता जाएगा। इस समय ना गैस का जो फ्लेम है वो लो रखा है मैंने, और जो हमने साइड में बनाकर रखे थे ना चिकन और आलू को मिक्स करके जो फीलिंग हमने बनाई थी, तो उसे कुक करना होगा हमें, क्योंकि इसमें जो वेजीज हमने डाले हैं वो कच्चे हैं, तो इसमें हम डालेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, तो और ये इकट्ठा होकर ना एक डो बन के रेडी हो जाएगा। तो फीलिंग हमारी बन के रेडी हो जाएगी, स्टिकी नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने लिए है चीज क्यूब्स, तो इसका कवर हम हटा के ना इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहे तो आपके मर्जी का जो भी चीज़ आपको पसंद है, जैसे कि मोजरेला चीज़ होता है या क्रीम चीज़ होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्यूब्स लिए हैं, तो इससे जो कबाब है ना वो बनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 क्यूब के मैं 3 हिस्से करूँगी, देखिए इस तरीके से। और क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ कबाब बना रहे हैं ना, तो चीज़ डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, और इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, चीज़ डालना ज़रूरी है। या तो आप सेम यही प्रोसीजर यूज़ करके ना मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर चीज़ नहीं डालना चाहते हो तो मेयोनीज जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, चीज़ को हटा के मेयोनीज डालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल से, और छोटे छोटे बॉल्स हम सबसे पहले बनाएंगे।
तो जितने मेरे चीज़ के पीसेस मैंने कट किए हैं वही साइज़ के यहाँ पे कबाब बनेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम एक बाउल बनाएंगे, इसे हाथों से प्रेस करके सबसे पहले, और फिर सेंटर में हम रख देंगे ये पीस चीज़ का, और इसे हम कवर कर लेंगे। अच्छे से इसे कवर करना है ताकि निकले ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना लिया है कबाब को। तो जितने भी कबाब हैं सब इसी तरीके से मैं बनाऊंगी, यही साइज़ के बनाऊंगी। आप चाहे तो छोटे बड़े जो आपकी मर्ज़ी है वो साइज़ के आप बना सकते हैं, तो मैंने इस साइज़ के बनाए हैं। आप चाहे तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी कबाब हैं सबको मैंने बना लिया है। अब बारी आती है इसकी कोटिंग करने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है एग, अंडा लिया है। तो अंडे को मैंने नमक डालकर बीट कर लिया था और थोड़ा सा मिल्क भी डाला था 2 टेबल स्पून के करीब, उससे अंडा सॉफ्ट हो जाता है। और दो टाइप से मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कोटिंग करने का तरीका, अगर अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आगे क्या करना है वो भी बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले अंडे में डिप कर लेंगे हम कबाब को, और इस तरीके से कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में, बहुत ही अच्छे से करना है। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है वो मार्केट में मिल जाता है इजीली, अगर नहीं मिलता है तो आप ब्रेड की जो स्लाइसेस होती है उसे मिक्सर में घुमा लीजिएगा, मतलब कि पीस लीजिएगा, तो ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ये मार्केट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इसकी कोटिंग हो गई है। अब दूसरा तरीका ये है, एक हिस्सा हमें लेना है कॉर्नफ्लावर और दो हिस्सा हमें लेना है मैदा, दोनों को पानी में मिक्स करके एक गाढ़ा सा घोल बनाना है, स्लरी बनानी है। तो अंडे का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले कबाब को हम डिप कर लेंगे कॉर्नफ्लावर और मैदे के घोल में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो दो तरीके से मैंने बताया है, देखिए। तो जितने भी कबाब है सब इसी तरीके से हम बनाएंगे, और इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में डालकर, फ्रीजर में रखना है, नीचे नहीं रखना है। और जब भी आपको फ्राई करना हो तो 1 घंटा पहले निकाल कर रख दीजिएगा, और बाद में आप फ्राई कर सकते हो आराम से। तो देखिए यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए। तो ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे और कबाब को हम ऐड कर देंगे, और इसे जलने में टाइम भी नहीं लगेगा। इसके लिए फटाफट से स्पून से हम चला लेंगे कबाब डालने के बाद, स्पेस रखकर डालना है। और एक साइड से जब हो जाएगा तो इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। फटाफट हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा जल गया था कबाब मेरा, तो जल मतलब इतना भी नहीं जला था, लेकिन इसका कलर आप देख सकते हो, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। फ्राई हो चुका था तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक टिश्यू पेपर के ऊपर, तो ऑयल इसमें से रिलीज हो जाएगा। इसे आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, या तो टोमेटो केचप के साथ भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, आई होप आप लोग के घर में सब लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।